एक ऐसी महिला जिसको ट्रेन एक्सीडेंट ने शरीर से अपाहिज बना दिया, और जब मौत और जिंदगी के बीच में लंबे संघर्ष के बाद उनको दोबारा जीवन मिला तो उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि अगर भगवान ने मुझे दोबारा जीवन दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद होगा। ये महिला और कोई नहीं अरुणिमा सिन्हा है। आप में से बहुत से लोगों ने इनका नाम ही सुना होगा। ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि शरीर से अपाहिज होने से कुछ नहीं होता, आप दिमाग से अपाहिज नहीं होने चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप पहाड़ों को चीरकर भी अपना रास्ता बना सकते हैं। अरुणिमा की पूरी कहानी अंधेरे के चिराग में काम करती है। वे एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है और इसी दौरान 11 अप्रैल 2011 को वे पद्मावत एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे से सफर कर रही थी कि बरेली के पास कुछ बदमाशों ने उनके सोने की चैन और पर्स खींचने की कोशिश की, और जब अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से बाहर फेंकने के कारण उनके कमर और पेट में गहरी चोट आई। वे उठने की हालत में नहीं थी। उन्होंने ट्रैक से हटने की हर संभव कोशिश की, परंतु तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल चुकी थी और उनका बाया पैर घुटने के नीचे से पूरी तरह से कट चुका था और दाएं पैर की हड्डियां भी बाहर निकल आई थी, जिसके बाद वे बेहोश हो गईं। वे पूरी रात उसी हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव वाले उनको बरेली से अस्पताल लेके गए, जहां पर डॉक्टर ने उनकी हालत देखी और कहा इनका पैर काटना पड़ेगा ताकि वे जीवित रह सके, परंतु हमारे पास ब्लड नहीं है। और अरुणिमा को इस बीच दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, परंतु सुनाई सब दे रहा था। और जब उन्होंने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी तो वो बोल पड़ी, डॉक्टर साहब, जब मैं ऐसी हालत में पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रहकर दर्द को सहन कर सकती हूँ तो पैर काटने के दौरान होने वाले दर्द को भी सहन कर लूंगी। अरुणिमा की हिम्मत को देखकर वहाँ के दो डॉक्टर ने अपना एक एक यूनिट खून दिया। अब इसके बाद अरुणिमा ने फैसला किया कि वे अब वॉलीबॉल नहीं लाइफ का सबसे टफ गेम खेलेंगी, और उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया। उन्होंने अपना लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने को बनाया। इसके लिए उन्होंने उत्तरकाशी में पर्वतारोही का कोर्स किया और भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनछेत्री पॉल से मदद मांगी। कठिन संघर्ष और मुसीबतों के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर लिया, और ऐसा करके अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बन गई। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का ये सफर 52 दिनों तक चला था। इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भी अरुणिमा रुकी नहीं। उन्होंने दुनिया के सातों महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अधिकतर पर वे अपना परचम फहरा चुकी हैं, और उनकी ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय हासिल करके अरुणिमा सिन्हा ने यह साबित कर दिया कि हौसलों की उड़ान और लगन आत्मविश्वास के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है।